हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज अ कंटिन्यूशन वीडियो ऑन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड सेक्शन 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 फाइव हमने जो लास्ट वीडियो में जो ब्रीफली जो डिस्कस किया था दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन नाइन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ देखिए

राइट right. मतलब क्या हुआ इसका इसका मतलब है वेयर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट देन हमने पढ़ा था दैट इज सेक्शन 95 जिसमें हमने पढ़ा था वेयर नोटिफाइड नोटिफाइड ई-कॉमर्स ऑपरेटर दे आर लायबल टू पे जीएसटी they are liable to pay GST to the government यही पढ़ा था हमने तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखिए नेक्स्ट सेक्शन नाइन ट्वेल्व अच्छे से पढ़ लिया था इसको तो हमें देखिए इतना डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज मतलब एक तरह से नॉर्मल है दैट मीन्स आप कोई भी सामान खरीद रहे हो तो उस पर शॉप के ऊपर टैक्स दे रहा है ठीक है मीन्स बियर नहीं कर लेकिन शॉप के ऊपर टैक्स पे कर रहा है तो ये तो इंड टैक्स तो है ही कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है तो ये चार्ज है, पढ़ने वाली बात ही नहीं है हमें चलिए तो तो अब एक बार रिवर्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं व्हाट इज इबाउट थ्री दैट इज रिवर्स चार्ज देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसमें हमने कल जो वीडियो लेक्चर में हमने गुड्स uh, के बारे में तो पढ़ लिया था कि कुछ स्पेसिफिक uh, गुड्स हैं जहाँ पर जो रिवर चार्ज मैकेनिज्म लगता है जो हमने uh, जो है जैसे एग्रीकल्चर वाला पॉइंट पढ़ा था हमने राइट लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर वाला पॉइंट पढ़ा था तो हमने गुड्स वाले केसेस कवर करे थे मेनली जो आज हमें कवर कर दैट इज़ ऑल अबाउट सर्विसेज देखिए सर्विसेज में स्टूडेंट्स काफ़ी सारे लूपहोल क्रिएट होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब इतने एक तरह से uh, बोल सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है मीन्स आपको रियली टाइम डिवोट करना पड़ेगा इसमें राइट right? तो इसको बहुत अच्छे समझना है तो देखो इसको समझने के लिए देखो सर्विस को समझने के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर चार्ज मैकेनिज्म इन द केस ऑफ सर्विसेज मींस जहाँ पर जो है रेसीपेंट जो है वही लैब होता हैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए देखिए टैक्स तो कब लगेगा बेसिकली ऑब्वियसली अगर कोई सर्विस अगर टैक्सेबल है तो जाके वो रिवर चार्ज लगेगा राइट right? तो देखिए यहाँ पर हम मैं ना एक्चुअली लेवी एंड कलेक्शन जीएसटी में आपको मिल नहीं पहले पढ़ाना पड़ेगा मुझे एग्जमशन यानी कि कौन सी ऐसे सर्विसेज है जो बेसिकली टोटली एग्जाम जी एस टी में अब मान लीजिए जी एस एग्जामेशन के साथ साथ तो मुझे पढ़ाना होगा कि कौन कौन से सर्विसेज जो वो टैक्सेबल होंगी अगर मान लो वो टैक्सेबल निकली तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे भाई तो या तो वो लगेगा फॉरवर्ड चार्ज या तो फिर लगेगा रिवर्स चार्ज सीधी सी बात यही है ठीक है बिकॉज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे मान लीजिए मैं कोई भी एक पर्टिकुलर सर्विस ले रहा हूँ तो उसके मुझे एग्जामेशन भी कवर करना होगा और साथ मैं में टैक्सेबल भी मैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जामिशन चैप्टर को भी साथ में लेके चल रहा हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बिकॉज देखिए सर्विस तो मान लो एक ही है अब उसमें चाहे कोई टैक्सीबिलिटी हो चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो तो मुझे सब एक बार में डिस्कस करना पड़ेगा दूसरे चैप्टर में वापस क्या दोबारा बार बार क्यों पढ़ना और जब एक ही

अगर टैक्सेबल है तो सरकार को टैक्स कौन पे कर रहा है अगर सप्लायर पे कर रहा है तो फिर वोवर चार्ज अदरवाइज भी क्या लगाना चाहिए आपका रेवर चार्ज यानी कि यहाँ पर रेसिमेंट ही पे करेगा राइट तो स्टूडेंट कन्फ्यूज मत होना ठीक है तो अब हम डिस्कस करना जा रहे हैं जो बेसिकली मेन जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आपका सर्विस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स राइट ये कह सकते हो कि आपकी थोड़ी किस्मत ख़राब है कि पहली सर्विस में यही लेके चल रहा हूँ राइट right? तो अच्छा बुक्स में ना आपको ना एंट्री वाइज भी बनाऊँगा आपको एंट्री याद नहीं करनी तो बेसिकली हम जो है फर्स्ट जो है टाइप ऑफ सर्विस पढ़ रहे हैं एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं इसमें एक्जाम भी क्लियर करूँगा टैक्सेबल भी क्लियर करूँगा और टैक्सेबल में अगर फॉरवर्ड चार्ज होगा तो वो भी डिस्कस करूँगा और अगर रिवर्स चार्ज होगा तो वो भी डिस्कस करेंगे राइट चलिए तो पहली टाइप ऑफ सर्विस है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स याद रखना मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ राइट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स यानी कि मान लीजिए किसी के पास काफ़ी सारे ट्रक्स हैं मान लीजिए आप ही हैं आप बिजनेस मैन हों बिजनेस वूमेन हूँ आपके पास अच्छा बिजनेस है आपके पास मान लीजिए दस बारह ट्रक हैं आप क्या करते हो उन ट्रक का आप जो है गुड्स को कैरी करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस राइट बेसिकली आप कौन हो आप हो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आप कौन हो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी राइट तो अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कि जिनके पास काफी अब उसमें चाहे आप कोई भी गुड्स कैरी कर सकते हो कहीं पर भी लेके जाओ ठीक तो है तो अब उस पर टैक्स आए या नहीं उसकी बात हो रही है चलिए पहले आप ए पॉइंट यहाँ पढ़िए ए पॉइंट देखिए क्या कहना चाह रहे हैं अगर आपने सप्लाई क्या कर रहे हो सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स यानी कि अगर आप ये स्पेसिफिक गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो वो गुड्स में टोटली totally एग्जेंट है सॉरी सर्विस जो वो पूरी पूरी एग्जाम है आई रिपीट ए पार्ट में क्या बोला हुआ है आप कौन हो आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपके पास ट्रक्स हैं आप गुड्स मूव करते हो एक, एक जगह से दूसरे प्लेस में लेकिन आप उस ट्रक्स में जो गुड्स जो कैरी कर रहे हो या लोड कर रहे हो वो कौन से गुड्स हैं वो स्पेसिफाई गुड्स हैं कौन कौन से हैं मिल्क हो गया फूड प्रोडक्ट्स हो गए राइट आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए सोल्ट हो गया आपके पास ऑर्गेनिक मेन्य हो गए न्यूज़पेपर हो गया डिफेंस गुड्स हो गए राइट एंड आर सें दैट इज एक्चुअली आई फॉर दिस कोई नहीं आप थोड़ा बुक्स माने मानीजिए स्पेसिफिक गुड्स इन इन एट कैटेगरीज में आ रहे हैं तो वो टोटल एग्जमट है आई रिपीट आपके पास ट्रक्स हैं लॉरीज वगैरह हैं आप उसमें गुड्स कैरी करते हो एंड लेके जाते हो फ्रॉम वन प्लेस प्लेस टू अनदर अगर मान लीजिए तो फिर इस केस में जो है आपके आपकी जो सर्विस जो आप किसी को भी दे रहे हो किसी को भी दे रहे हो चाहे वो पर्सन अनर हो चाहे वो रजिस्टर्ड हो कोई मतलब नहीं करता हम बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं सप्लाई क्या कर रहे हो अच्छा सर्विस कौन सा सर्विस गुड्स को हम कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन प्रोमन बेस्टर सर्विस अच्छा गुड्स कौन से हैं ये स्पेसिफिक गुड्स हैं तो फिर टोटल एग्जाम है आगे मुझे पूछना ही नहीं है कि आप किसको कर रहे हो क्या रजिस्टर कर रहे हो कि अनरजिस्टर कर रहे हो बात ही खत्म टैक्सी वेल नहीं क्यों क्यों क्यों, क्यों स्पेसिफिक गुड्स हैं तो वो टोटल एग्जाम है राइट अच्छा एक बात और पहले ये मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल आपका लेटेस्ट है अमेंडमेंट का यानी कि ये आपका सोलह अगस्त दो हजार बाईस तक का आपका अमेंडमेंट है राइट right? इसमें जितने भी अमाउंट हैं वो तो मैंने सारे मैंने ऐड कर दिए तो आप इसको अच्छे से पढ़ना अच्छा अगर मान लीजिए इन स्पेसिफिक की वैल्यू वैल्यू अगर सेवन फिफ्टी या वन फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है पहले क्या हुआ था पहले अमाउंट से पहले क्या हुआ करता था कि अगर स्पेसिफिक गुड्स की वैल्यू सेवन फिफ्टी या वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है वैल्यू इन देंस उनका फेयर वैल्यू ठीक है स्मॉल वैल्यूज में यानी कि फेयर चार्जेस कम है तो वही गुड्स जो होगा एग्जाम ठीक है तो क्या सर मतलब ये अब अगर मान लीजिए आप बोलना चाह रहे हो कि अब वैल्यू दिखनी नहीं हुए हैं टोटल एग्जाम है। नहीं ऐसा भी नहीं है मीन्स एग्जाम भी नहीं है और टेक्सीबल भी नहीं है सर समझ नहीं है उसके लिए आगे पढ़ेंगे ठीक है आप ध्यान समझ लिये अगर आप जी टी ए हो और ए कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो दैट मीन्स आप स्पेसिफिक गुड्स की आप जो है गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो और स्पैसे गुड्स में अगर ये एट कैटेगरीज हैं तो वह एग्जाम वैल्यू के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे आगे के बढ़ते हैं सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट क्या है सप्लाई टू यानी कि अब यहाँ पर अगर मान लीजिए रेसिपेंट ये सब हैं कौन कौन है लोकल अथॉरिटी है गवर्नमेंट अथॉरिटी है या फिर स्टेबलिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है या फिर यूनियन टेरिटरी है एंड दे आर रजिस्टर्ड ओनली फर्दर ओनली फॉर दर्पज ऑफ पेइंग टी डी एस आई रिपीट ये जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है ये अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं क्यों हैं क्योंकि उनका काम है सिर्फ टीडीएस का काटना है और कुछ नहीं है मान लीजिए अगर आप उनको कोई सप्लाई कर रहे हो क्या सप्लाई कर रहे हो आप उनको जी टी की सर्विस दे रहे हो राइट तो पेमेंट कौन करेगा पेमेंट तो ये सब करेंगे गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी कि ये कौन हो गया रेसिपेंट आप कौन हो गया सप्लायर ठीक है ठीके? तो इस केस में बोला हुआ है कि अगर ये अगर सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है तो फिर ये पूरी की पूरी सर्विस क्या हो जाएगी एग्जेप राइट देन नाउ कमिंग टू दिस कर रहे हो किसको अनरजिस्टर्ड पर्सन को अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है अगर अनरजिस्टर्ड है तो दैट मीनस दैट एंटायर सर्विस वुड बी एग्जेप्ट राइट देन डी पॉइंट सप्लाई टू कैजल आपको पता होगा किसन कैजल टैक्सीबल की दो बात बोली अगर मान लीजिए वो रेशेड है तब तो, तो वो टैक्सीबल है और अगर अनर तो फिर एग्जाम अगर सी टी पी है और वो अनशेड है तब तो, तो एग्जाम राइट right? लेकिन अगर वो रेश निकले तो फिर टैक्सीबल है सर उस पर जी एस टी कौन पे करेगा रेसिपियन या फिर सप्लायर uh, इसके चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे पहले सिर्फ इतना आप याद करो कि मैं क्या डिस्कस करना चाहूँगा आप जी टी ए हो और आप किसको सप्लाई कर रहे हो सी टी पी को यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अगर रेसिड है तो टैक्सेबल अनेटेड है तो एग्जाम बस अभी इतना है नेक्स्ट पॉइंट ई पॉइंट सप्लाई किसको कर रहे हो सप्लाई कर रहे हो आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन को फर्म को बॉडी uh, कॉर्पोरेट को कर रहे हो आप ठीक है फैक्ट्री को कर रहे हो आप अगर आप इन सबको अगर सप्लाई कर रहे अब हो अब चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो तब तो वो हंड्रेड परसेंट आपका टैक्सेबल होगा आई रिपीट अगर आप सप्लाई इन सबको कर रहे हो दैट ये आपके रेस्टिपेंट्स हैं इनको आप सप्लाई कर रहे हो तब तो आंख बंद करके ये तो आपके टैक्सेबल होंगे तो टैक्स कौन पे करेगा ये थोड़ी दो मिनट को करेंगे राइट अच्छा इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स पॉइंट थोड़े कंफ्लिक्ट हो जाता है तो एक बार ध्यान से देखिए मान लीजिए आप स्पेसिफिक गुड्स कर रहे हो किसको कर रहे हो मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ मैं स्पेसिफिक गुड्स कर रहा हो किन को इन सब को कर रहे हो तो वो सर्विस एग्जाम होगी टेक्सेबल होगी देखिए पहले तो देखना होगा कि गुड्स कौन से हैं अगर मान लीजिए गुड्स स्पेसिफिक गुड्स हैं तब तो, तो कोई भी हो चाहे रेसिड हो चाहे अन हो चाहे ये सब रेसिडेंट हो या सिटी में कोई भी तब तो वो सर्विस ही एग्जाम बात ही खत्म राइट बी पॉइंट में अगर लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एस टी या यू टी अगर वो सिर्फ जीएसटी में रेस्टेड टी डी एस तब तो वो एग्जाम अच्छा मान लीजिए वो जी एस टी में रजिस्टर है अदर देन टीडीएस तो फिर क्या होगा तब तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे तब तो वो सब इसी कैटेगरी में आ गए ना रजिस्टर्ड पर्सन हो गया तब तो वो टैक्सेबल होगा ही होगा बाकी ही तुम ठीक है अच्छा आपके मन में सवाल हारा होगा कि सर मान लीजिए मान लो जी टी ए वाला खुद ही मान लीजिए तो फिर क्या करेंगे जीटी वाला खुद ही तो क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे राइट तो ये मैंने पांच कैटेगरी बनाई है अब आपको मेन याद रखना है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्सेबल केस में यानी कि जिस जिस केस में टैक्सेबल हो रहा है यानी कि जब देख रहे हैं कि जब हम किसी भी चाहे सप्लाई जीटी जो है किसी को सप्लाई कर रहे हैं और वो पार्ट जो टैक्सेबल बन रहा है

अगर जी जीटी वाला खुद ही है, है, खुद ही ए, बी, सी, डी, ई में जाके जब देखा तो वो बन रही है। तो उस में हर हालत में क्या बन जाएगा? वो कि चार्ज जो चार्जिपेंट है वही जो है सरकार को टैक्स पे करेगा एज पर फाइव परसेंट टैक्स परसेंट तो कैसे होगा अगर ये इंटर स्टेट है तो फिर सी एंड एस और अगर आई जी है तो फिर डेढ़ पाँच परसेंट लगेगा कोई दिक्कत नहीं है आई रिपीट अगर जी टी सर्विस यानी कि जो सर्विस दे रहे हैं यानी जो सप्लायर है वो खुद ही अनचेड़ है लेकिन अगर मान लीजिए वो सप्लाई कर रहा है किसको इन सबको कर रहा है ई कैटेगरी में आ रहा है कोई तो, तो हर हालत में वो सर्विस टैक्सीबल है तो इस केस में रेजिबेंट रेसिपेंट इस तो जी एस टी एज पर आर सी एम राइट अब बात करते हैं जी अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड है तो उस केस में जो है उनके पास ऑप्शन होता है या तो वो फॉरवर्ड चार्ज में जाए या तो रिवर्स चार्ज में जाए राइट वो बोल सकते कि मैं रजिस्टर्ड हूँ और वो सर्विस टैक्सेबल भी हो रही है और मैं आरसीएम ऑप्ट करना चाह रहा हूँ सॉरी आरसीएम ऑप्ट करने जा रहा हूँ तो उस केस में वो जो अगेन रेसिपेंट इज लेबल टू पे जी एज पर फाइव राइट आई रिपीट पहले बात करी है हमने अगर जीएसटी अन बट ड्यू टू सरकम सर्विस जो टैक्सेबल ही हो रही है तब तो हर हालत में आर से मे लग है कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन ही ऑप्शन ही खत्म हो गया लेकिन जैसे ही जी टी वाला रेश में जी एस टी में रेशर्ड होता है तब उसके हाथ में जो ऑप्शन दे देते दे हैं कि या तो आप जो है रिवर चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर लो या तो आप फोवर चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर लो अब जी टी वाला बोलता है कि मैं रेशर्ड हूँ और मैं जो है आर सी एम लेना चाह रहा हूँ तो दैट मीन्स फाइव परसेंट टैक्स पे करे कौन रेसिडेंट नेक्स्ट अगेन केस वो कौन है रजिस्टर्ड पर्सन है कौन जी टी सर्विस अब उसने फो फो चार्ज ऑप्ट कर लिया अब यहाँ पर देखिए फो चार्ज ऑप्शन करने के दो ऑप्शन हैं मान लीजिए आप जी टे में हो ठीक है अब आप फो चार्ज जो है आपने ऑप्ट कर लिया अगर आपका अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है तब तो ऑब्वियसली तो आपको आई का बेनिफिट लेना चाहिए तब तो, तो आपको बारह परसेंट टैक्स के साथ आप टैक्स पे करोगे यानी कि सिक्स प्लस सिक्स लेकिन अगर आपका छोटा बिजनेस है ठीक है और आप ही टैक्स पे करना चाह रहे हो गवर्नमेंट को देखिए आप कौन सप्लायर और आप ही पे करना चाह रहे हो लेकिन आप जो है आई टी सी का बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो तब भी तो आप जो है फाइव परसेंट के हिसाब से टैक्स दे सकते हो यहाँ पर ये जी के हाथ में काफ़ी बड़ा एडवांटेज दे दिया राइट यानी कि पूरे सर्विस के केस में एक यही अनोखी सर्विस है जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा राइट अच्छा इसमें जो है ये ध्यान रखना है जैसा मान लीजिए मान लीजिए ये टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मानी जी जीटीए को इस फाइनेंशियल ईयर में डिसाइड करना कि क्या वो आर लेना है या फो चार्ज लेना है तो उसको जो इस साल के शुरू होने से पहले जस्ट फिफ्टीन डेज बैक यानी कि मार्च तक उसको गवर्नमेंट को एक रिटर्न में एक डिक्लेशन देना होगा कि वेदर टू ऑप्ट आर सी एम और रिवर चार्ज सॉरी फो चार्ज राइट जस्ट फिफ्टीन डेज बैक यानी कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने से पहले ही एक रिटर्न इंटीमेशन देना होगा तभी जो है वो आगे इसका काम चलेगा अदरवाइज नहीं चलेगा राइट सो दिस इज ऑल अबाउट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी दैट इज रेडी टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ये काफ़ी हैवी था एंड आई गुड्स आपको इसका पूरा समझ में आ गया होगा बाकी फर्दर सर्विस हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे थैंक यू